दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। बहुत सारे जो देश हैं, हमसे बहुत सारे देश आगे हैं, लीडिंग देश बहुत सारे, अमेरिका लीड कर रहा है, जापान लीड कर रहा है, चाइना ने अभी रिसेंटली कुछ सालों में ये टॉप 3 पोजीशन में चाइना आ गया है इस इंडस्ट्री के अंदर, और इंडिया अभी 21वें नंबर पे है, 21 नंबर पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री एकदम बिल्कुल नहीं है यहाँ लोगों के लिए, लोग समझ रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट समझ रही है, इसको मान्यता मिल गई है, एक बार तालियां जोड़ता हमारी सरकार ने इंडस्ट्री को मान्यता दी और और एक बार ये सारी गाइडलाइंस अब मार्केट में आ चुकी है और हर स्टेट में ये गाइडलाइंस जो है ये रेगुलर रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा ये मान्यता इसको मिल चुकी है, हर स्टेट के अंदर धीरे धीरे जा रही है। तो दोस्तों, ये एक बहुत राइट टाइम है, बहुत ही राइट टाइम इस इंडस्ट्री में आने का। अभी तक इस इंडस्ट्री में वो लोग आ रहे थे जो उसको जानते थे, अब इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति जो किसी भी कारोबार में है, किसी भी जॉब में है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, नौकरी में है, हर आदमी इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे आगे जा रहा है, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो एक किसान को अमीर बना सकती है, एक गरीब को अमीर बना सकती है, एक अनपढ़ आदमी को, ना पढ़े आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकता है और अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम, ये राइट समय है इस इंडस्ट्री में आने का। जो भी एनालिसिस आए हैं उसमें ये बताया गया है कि आने वाले जो 10 साल हैं हमारी इंडस्ट्री 10 टाइम्स ज्यादा, 10 गुना ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। यानी अगर हमारी इंडस्ट्री की 7500 करोड़ की टर्नओवर की हमारी इंडस्ट्री ने, तो आने वाले 8-10 साल में 2025 की लगभग ये आशा है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है लगभग 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ग्रोथ इस इंडस्ट्री में आने वाले कुछ सालों में होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं जानता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो भी नए इस कंपनी में ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल फ्रेश अभी नए हैं, एक बार सभी नए साथियों के जो लोग आए हैं बैठे। आईएमसी, ये क्वेश्चन सामने आता है, आईएमसी क्यों, वह आईएमसी, बहुत सारी कंपनियां बाजार में, बहुत सारे लोग, बहुत सारी एजेंसी बाहर की फॉरेन कंपनी बाजार में आ चुकी है, आईएमसी क्यों? दोस्तों, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो यूएसपी है वो है हम लोग एक स्वदेशी कंपनी है। बड़ा अच्छा अमित जी ने आज बात की देश को लेके, तो ये देश भावना हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए कि हम लोग बाहर की कंपनियों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों ना हमारी अपनी जो देश की कंपनी है, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं, यहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री है, यहाँ पे कंपनी के जो रोजगार है, कंपनी यहाँ पे इंडिया के लोगों को रोजगार मिलता है, और जो भी कंपनी पैसा कमाती है वो इंडिया में लगता है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और इंडिया के लोग उसमें काम कर रहे हैं। आर्थिक सुधार जो है हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है ऐसी कंपनियों से जो हिंदुस्तान की कंपनी है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा सोच है, ना सोचे तो कुछ नहीं है। कई साल पहले एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया था, ना सोचे तो कुछ भी नहीं, पर सोचे तो ये बहुत बड़ी बात है। आज चाइना का ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्वदेशी हैं, वो केवल चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइनीज चीजों को ही सिर्फ अपनाते हैं, और बाद में अगर नहीं मिलता कुछ चीज चाइना का तब वो जाके बाहर की भी चीज को अपनाते हैं। चाइना में आज भी गूगल नहीं है, चाइना में आज भी फेसबुक नहीं है, चाइना में आज भी व्हाट्सएप नहीं है, वहाँ की अपनी चाइनीज एप्लीकेशन है जो वो यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये समझना पड़ेगा कि ये नीड ऑफ दी आर है कि हमें अपनी कंपनी, अपने जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स है उसको अपनाना चाहिए। दूसरी चीज है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये एक ऐसी पैटी है जो हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से एलोपैथ की तरफ हम भर चुके हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे हर चीज का रिजल्ट जो है इमीडिएट मिल जाए, सिर दर्द हो गोली खाए ठीक हो जाए, पेट खराब हो गोली खाए ठीक हो जाए, हम लोग नेचुरल तरीके से ठीक होना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद एक नेचुरल थेरेपी है जिससे हम लोग जड़ी बूटियों से, अपने लाइफस्टाइल से हम अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बीमारी ना हो इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये प्रिवेंशन के ऊपर काम करती है आयुर्वेद। तो दोस्तों, ये पैथी पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता मिल चुकी है, इंडिया में हम इसको नए तरीके से लेके आए हैं और बहुत सारे लोग भी इस पैथी के अंदर आज आ चुके हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अपनाना बहुत जरूरी है, अगर हमने एक डिजीज फ्री लाइफ जीनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है जिसमें बीमारियां ना हो, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है,
तो आयुर्वेद ही ऐसी पैथी है जो आपको जिंदगी भर स्वस्थ कर सकती है। कंपनी का विजन, कई लोग पूछे सर कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्या करने वाली है आने सालों में, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये आम क्वेश्चन मार्केट में सुनने को मिलते हैं। दोस्तों कंपनी बिल्कुल भागने वाली है, 11 साल से भाग रही है, आने वाले 1100 साल भागने वाली है। yes! ये कंपनी के अपनी खुद की फैक्ट्रियां हैं, कंपनी के अपने खुद के वेयर हाउसेज हैं, कंपनी के अपने खुद के ऑफिसेज हैं, कंपनी का करोड़ों रुपया इस सिस्टम में लगा हुआ है। ये कंपनी खूब सारा काम कर रही है, पिछले साल कंपनी ने 325 करोड़ की टर्नओवर की और इस साल लगभग 500 करोड़ की टर्नओवर करने लगे। 2020 में जो हमारा टारगेट है कि कंपनी 2020 में 2000 करोड़ की टर्नओवर करने लगे। दोस्तों हम लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, इतनी तेज भाग रहे हैं कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस साल हम लोग थाईलैंड में, भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और बर्मा में अपने ऑफिस खोल दें। इतनी तेज से भागे कि हमारा बिजनेस पूरा इंडिया में नहीं, देश में नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हमारा कंपनी का बिजनेस पहुंच जाए। तो दोस्तों इस साल हम लोग बहुत जल्दी थाईलैंड की ऑपरेशंस अपनी शुरू करने जा रहे हैं और वी आर प्लानिंग की जुलाई में जो हमारा इस बार का थाईलैंड ट्रिप जाए तो वहां पे हम लोग प्री लॉन्च वहां पे अनाउंस कर दें। और वहां पे जो उनका कन्वेंशन होने जा रही है केवल इंडिया के लोग ही नहीं होंगे, आपको मौका देंगे कि आप वहां पे अपने थाई गेस्ट भी उस फंक्शन में लेके आ सकते हैं जो हम एक बार, इस बार बहुत बड़ा फंक्शन हम लोग थाईलैंड में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जुलाई के अंदर। तो यहाँ पे कितने लोग जुलाई थाईलैंड जाने वाले हमारे साथ, कितने लोग अचीव कर चुके हैं, अरे बाप रे, ताली जोरदार सभी अचीवर्स के लिए जो थाईलैंड अचीव कर रहे हैं। तो थाईलैंड में हम बहुत बड़ा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, केवल वहाँ पे पार्टी इस बार नहीं होगी, इस बार हम एक दिन काम भी करेंगे। तो वहाँ पे एक दिन हम लोग कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग लगभग 1000 लोग वहाँ पे, लगभग 500 लोग इंडिया से जाने वाले हैं, लगभग 500 लोग हम अलाउ करेंगे हर आदमी को कि अपना एक या दो गेस्ट वो सेमिनार पे लेके आए और उनको प्री लॉन्च के अंदर हमारी कंपनी से इंट्रोड्यूस कराएं। तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और वी आर होपफुल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वहाँ पे ऑपरेशन जो है थाईलैंड के शुरू कर चुके होंगे। 7 डेज के हम लोग जो आस पास के छोटे छोटे देश हैं, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इनमें भी हम लोग बहुत जल्दी चैनल पार्टनर्स हम लोग ढूंढ रहे हैं ताकि वहाँ पे भी बहुत जल्दी हम लोग अपना कारोबार जो पहुंचा सकें। दोस्तों कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है, हमारे हिंदुस्तान में ये जो इंडस्ट्री है लगभग 20 साल पहले शुरू हुई है। जितनी भी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर से इंडिया में आई हुई है काम कर रही हैं, उनको काम करते करते 70-80 साल हो चुके हैं। हमारा जो अभी कंपनी है वो भी 11 साल का बच्चा है, अभी जवानी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत जगह जाना है। तो दोस्तों मेरा कहने का सर ये मतलब है कि जहां पे जितने भी लोग आए हैं दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी में इसलिए मत जुड़े कि आपने कंपनी में जुड़ना है एक साल के लिए या एक महीने के लिए, तभी कंपनी जुड़े, अगर आप जिंदगी भर के लिए जुड़ने के आए हैं, लाइफ टाइम के लिए। मैं ये बात कहूंगा अपने हर एसोसिएट को कि जब भी इसको जोड़ते हैं तो उसको पहली बात ये समझाएं कि भाई ये बिजनेस एक दिन या एक महीने एक साल का नहीं है, अगर तुम जिंदगी भर के लिए जुड़ना चाहते हो तभी इस फॉर्म पे साइन करना, वरना मत करना, क्योंकि ये एक सोच है जिसको लेके हम लोग लगे हुए हैं, निकले हुए हैं। और ये सोच यही है कि ये आयुर्वेद को हमने केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में पहुंचाना है और इंडियन कंपनी को वर्ल्ड की नंबर वन एमएलएम कंपनी बनाना है, और ये होने वाला है दोस्तों आने वाले सालों में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इस सिस्टम में इस साल डालने वाले, जैसे अभी रिसेंटली हमने IMC रेडियो लॉन्च किया। रेडियो सबने डाउनलोड किया हुआ है? Yes! जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो IMC रेडियो के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड फोन में आपका जो भी डाउनलोड कर सकते एप्लीकेशन को, और ये रेडियो जो है सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। 1 अप्रैल से ऑफिशियली इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरे दिन में बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, आप सुन सकते हैं सुबह 8 से लेकर शाम के 10 बजे तक, जिसमें आपको दिन में 2 टाइम प्लान शो होगा ऑनलाइन रेडियो के ऊपर। और आपको लगता है कि आपको प्लान समझाना नहीं आता है या आपको प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो बिजनेस प्लान को आप घर बैठे अपने रेडियो में, अपने मोबाइल फोन में सुन सकते हैं। और अपने साथ अगर आपके साथ 8-10 लोग हैं, आपने घर में कोई होम मीटिंग रखी है उस समय, तो उस समय आप वो बिजनेस प्लान जो है उसको सबको सुना सकते हैं केवल एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। उसी तरह कंपनी के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको हर रोज आप ले सकते हैं। बड़े बड़े लीडर्स हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज को आप सुन पाएंगे उस रेडियो द्वारा। कंपनी के जो नई अपडेट्स हैं, नई न्यूज है, वो भी आप उस रेडियो द्वारा सुन पाएंगे, और बहुत कुछ उस रेडियो में पूरे पूरे दिन का जो है फ्लो आपको हम लोग दे देंगे। और आप पूरे दिन या पूरे महीने में कौन कौन से कंपनी के प्रोग्राम आ रहे हैं उस रेडियो के अंदर,
आप देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं। मैं एक छोटी सी एक झलक दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं और किस तरह के उसमें हम लोगों ने ऑडियोज बनाई है जो आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे हम लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीजें मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह की प्रोग्राम्स हम कंपनी शुरू करने जा रही है। सुनना चाहेंगे? yes! तो जी, तो ये देश जो हमारी महिलाएं हमारे थाईलैंड में, हमने रिसर्च की है कि थाईलैंड के अंदर 70% से ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, वहां पे 70% महिलाएं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और केवल 30% लोग हैं जो मेल मेंबर्स हैं जो थाईलैंड में काम कर रहे हैं। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम डिजाइन किया। मैं उसको आपको थोड़ी सी उसकी जो सिग्नेचर थी उन्हें सुनाना चाहूंगा। उसकी टिकट जो है वो आप ले सकते हैं, उसकी इनविटेशन आप ले सकते हैं, और इनविटेशन आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आपको जब भी यहाँ पे आने से, आप किसी मूवी थिएटर में आज आप पिक्चर टिकट लेते हैं तो आप उसको सिर्फ अपना मोबाइल फोन से उसको कोड दिखाते हैं और आपकी एंट्री हो जाती है। उसी तरह जब अगली बार से आप उसी स्टेडियम में आएंगे तो आपको केवल टिकट को डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप QR कोड दिखाएंगे, हम स्कैन करेंगे, आपकी किसी भी इवेंट में एंट्री हो जाएगी। तो इसको भी हम टेक्नोलॉजी से इसको हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लेके आने जा रहे हैं। इसी तरह से हम एक बहुत इनोवेटिव चीज हम लोग और इसको हमने भी रिसेंटली उस पर काम करना शुरू किया है। हम लोग IMC की एक वीडियो गेम लेकर आने जा रहे हैं, वीडियो गेम। इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। आप वीडियो गेम द्वारा सीख पाएंगे कैसे इस कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। ये बिल्कुल नया इनोवेटिव आइडिया है जिसमें आप गेम खेलते हुए कैसे सिल्वर ब्रेक करना है, कैसे ड्रेस कोड पहननी है, कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, कैसे कंपनी का बिजनेस प्लान से आप लेवल अचीव कर सकते हैं। तो आप वर्चुअली भी लेवल भी अचीव कर पाएंगे उस वीडियो गेम के अंदर, और लेकिन आपको सीखने को मिलेगा कैसे सिल्वर ब्रेक किया जाता है, कैसे गोल्ड ब्रेक, कैसे क्वालिफिकेशन होती है गोल्ड ब्रेक करने की, और उसको हम शायद अपने जो ओरिजिनल डेटा है उससे सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपका इस समय स्टेटस क्या है और आप कैसे आगे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। इट्स जस्ट एन आइडिया, पर हम इस पे काम कर माइटिंग शुरू कर चुके हैं। वी आर होपफुल कि अगर 6 months में ये वीडियो गेम ही हम आपको दे पाएंगे जो बहुत जल्दी आपके मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड किए। ये भी MLM की इंडस्ट्री के अंदर आज तक किसी कंपनी नहीं किया है। एक बार जोर से तालियां बजा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें कंपनी करने जा रही है। अभी कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन।